वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन से किसी भी विंडोज लैपटॉप डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही इजी, जिसमें हम लोग को कोई भी वायर की नीड नहीं होगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो, जिस तरह हम लोग अपने स्मार्टफोन से स्मार्टफोन में ट्रांसफर करते हैं किसी भी फाइल को, किस तरह करते हैं हम लोग नियर बाय शेयर के थ्रू करते हैं, तो उसी तरह हम लोग अब यहाँ पे भी नियर बाय शेयर का यूज करेंगे। जी हाँ, हम लोग नियर बाय शेयर का यूज करेंगे अपने विंडोज में। तो हम लोग को यहाँ पे नियर बाय शेयर देखने को मिलता है विंडोज के लिए, यानी कि यहाँ पे विंडोज के लिए नियर बाय शेयर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग उसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलना होगा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं किस तरह से हम लोग इसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे नियर बाय शेयर फॉर पीसी सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉइड द न्यू नियर बाय शेयर बीटा ऐप फॉर विंडोज, इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट विद बीटा का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे ये हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट लिखा जाता है। हम लोग इसे क्लोज कर लेंगे। क्लोज कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का नियर बाय शेयर का ऑप्शन आ जाता है कुछ इस तरह से। हम लोग यहाँ पे डिवाइस नेम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग को साइनिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। सेटिंग पे जाएंगे तो हम लोग अपने डिवाइस नेम को चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने फोल्डर को भी चेंज कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिसीव करना है डेटा। तो यहाँ पे ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको कैसे सेंड करना, तो यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट फाइल और फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके इसे सेंड कर सकते। और अगर हम लोग को रिसीव करना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को डिवाइसेस हिडन का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रिसीव फ्रॉम एवरीवन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑन हो जाता है। अब मैं आप लोग को अपने मोबाइल से इस पर कनेक्ट करके दिखलाता हूँ। चलिए मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। आप लोग को स्क्रीन पे मेरा स्मार्टफोन का भी स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे लैपटॉप का भी स्क्रीन दिख रहा होगा। तो अब मैं इस पर कुछ शेयर करके देखता हूँ। अगर मुझे अपने स्मार्टफोन पे इस पर कुछ शेयर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइसेस हिडन है, इस पर क्लिक करके मैं इसे रिसीव फ्रॉम एवरीवन कर दूंगा। अब ये ऑन हो गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ शेयर करके दिखलाता हूँ। यहाँ पे म्यूजिक वाला फोल्डर है, मैं इसका पहले आप लोग को डिटेल दिखला देता हूँ। ये कितने साइज का है, तो ये 3.73 GB का है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज फाइल हो गया। अब मैं इसे शेयर करके दिखलाता हूँ कि इसमें कितना स्पीड आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो सिंपली मैं शेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे नियर बाय शेयर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पीसी का ऑप्शन आया था, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आया था, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्पीड बहुत ही अच्छा खासा स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 10 Mbps का स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पीड देखने को मिल जाता है शेयरिंग करने में। तो यानी कि अभी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे हम लोग अपने विंडोज़ से भी अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट करके कुछ भी शेयर कर सकते हैं नियर बाय शेयर की तरह। तो चलिए मैं आप लोग को कुछ सेंड करके दिखलाता हूँ। तो मैं यहाँ पे से फाइल, तो मैं यहाँ पे ब्लैक पैंथर पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये कितने GB का है, तो ये यहाँ पे हम लोग को 3.43 GB का देखने को मिलता है। तो चलिए मैं इसे शेयर करके देखता हूँ। ओपन, और यहाँ पे लुकिंग फॉर योर नियर बाय डिवाइसेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, और मुझे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया मेरे फोन का ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेंडिंग स्पीड भी देखने को मिल जाता है। सेंडिंग स्पीड थोड़ा कम है कंपेयर टू रिसीविंग स्पीड, लेकिन यहाँ पे सेंडिंग स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पीसी से अपने मोबाइल फोन के थ्रू। यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड के थ्रू कर रहे हैं विंडोज पे ट्रांसफर बहुत ही इजीली विदाउट एनी यूजिंग वायर। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चीज़ को आप अपने पीसी और फोन पर ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।